स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। भाई आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भाई मारुति के टॉप सेलिंग प्रोडक्ट के बारे में और मारुति की पहली एसयूवी गाड़ी के बारे में। भाई जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है भाई, मारुति ने अपने एसयूवी सेगमेंट में ब्रीजा से ही कदम रखा था और भाई इतनी सेल हुई थी इस गाड़ी की आप पूछिए मत। भाई आज भी इसकी सेल वही बरकरार है क्योंकि लोगों को इस गाड़ी का लुक्स, माइलेज, परफॉर्मेंस काफी पसंद आई थी। तो आज डिटेल से बात करेंगे भाई इस गाड़ी के बारे में कि यहाँ पे भाई आपको क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, कौन सा वेरियंट हमारे सामने खड़ा है, क्या प्राइस रेंज यहाँ पे इस गाड़ी की रखी गई है और यहाँ पे क्या इसमें कुछ ऑफर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। मोस्टली मारुति की गाड़ियों में ऑफर्स देखने के लिए कम ही मिलते हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट मिलते रहे। बात करते भाई इस गाड़ी की सबसे पहले एक्सशोरूम वैल्यू से। 1937-948 का एक्सशोरूम यहाँ पे आपको गाड़ी का देखने के लिए मिल जाता है। ऑन रोड आते आते ये गाड़ी आपको समथिंग अराउंड 16.40 लाख के आसपास ऑन रोड पड़ती है। फ्रंट से चौड़ाई की बात करेंगे तो भाई 1790 mm की देखने के लिए मिलती है और गाड़ी का लुक काफी एग्रेसिव यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है और काफी मस्कुलर देखने के लिए मिलता है। ग्रिल पोर्शन में यहाँ पे बात करते हैं तो सेंटर में सबसे पहले आपको सुजुकी का लोगो है, यहाँ पे आपको एक ग्लॉसी पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा, ऊपर से क्रोमिंग का वर्क यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, नीचे से सिल्वर कलर में स्किड प्लेट का ऑप्शन मिल जाएगा और भाई यहाँ पे टॉप एंड वेरियंट है तो आपको 360 डिग्री कैमरा भी देखने के लिए मिलता है, ये फ्रंट का कैमरा है। हेडलैम्प असेंबली में बात करेंगे तो यहाँ पे भाई आपको डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं, ये एलईडी में देखने के लिए मिलेंगे, ये आपके डीआरएल्स आ जाते हैं और यहाँ पे अपर वाले पोर्शन में आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स देखने के लिए मिलते हैं। फॉग लैंप भी यहाँ पे आपको एलईडी में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। हुड में कर्ट एंड क्रीज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है जो गाड़ी के लुक्स को काफी मस्कुलर बनाती है। अगर बात करेंगे वेरियंट की तो भाई ये इसका टॉप एंड वेरियंट हमारे सामने खड़ा है, ZXI प्लस स्टॉक कन्वर्टर यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। साइड पोर्शन से अगर हम इस गाड़ी की बात करेंगे तो भाई ये देखिए गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। भाई गाड़ी की हाइट काफी अच्छी खासी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी 1685 mm की। बी प्लस जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं ये मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलते हैं, ऊपर से आपको रूफ रेल भी देखने के लिए मिल जाते हैं सिल्वर कलर में। जो ए प्लस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं ये आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलेंगे। साइड में अगर बात करें भाई टायर्स की तो यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो 215/60R16 का टायर प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। फेंडर में ब्रॉड ब्रॉड क्लैडिंग का वर्क यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो देखिए कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा ओआरवीएम के ठीक नीचे और यहाँ पे आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स ओआरवीएम में ही देखने के लिए मिलते हैं। को ड्राइवर साइड भी आपको स्मार्ट की एंट्री का बटन देखने के लिए मिल जाता है। अगर ओवरऑल व्हील बेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2500 mm का व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस भाई वो भी काफी अच्छा खासा मिलता है 198 mm का। लंबाई गाड़ी की वही सब 4 मीटर के अंदर है 3995 mm की। को ड्राइवर साइड आपको इसका फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। कैपेसिटी की बात करेंगे तो 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे भी आपको एक क्वार्टर ग्लास का पोर्शन देखने के लिए मिल जाता है। रियर से बात करेंगे तो गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। जितनी मस्कुलर ये आपको फ्रंट से देखने के लिए मिलती है उतनी मस्कुलर ये आपको पीछे से भी देखने के लिए मिलती है। सेंटर में बड़े बड़े अक्षरों में ब्रीजा की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सुजुकी का लोगो यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको रिवर्स कैमरा पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। 4 पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। डिफ्यूजर वाला पार्ट काफी ब्रॉड देखने के लिए मिलता है सिल्वर कलर में और यहाँ पे भाई आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। भाई ये जो स्मार्ट हाइब्रिड है ना ये इसका टॉप एंड वेरियंट्स में देखने के लिए मिलेगा यानी ZXI और ZXI प्लस में ही देखने के लिए मिलता है। नीचे वाले वेरियंट्स में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलता है। टेल लैंप्स की अगर बात करेंगे तो याला पोर्शन आपको पूरा एलईडी में देखने के लिए मिलता है। हेलोजन में इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वाइपर भी मिलता है, डिफॉगर भी मिलेगा, वॉशर भी मिलेगा, स्टॉप लाइट भी मिल जाती है और यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलेगा। बूट की बात करेंगे गाड़ी के तो भाई बूट आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट ओपनिंग मिल जाती है। बूट भाई आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। 328 लीटर का कैपेसिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। साइड में स्पेस मिल जाता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे रीडिंग लैंप आपको ये देखिए कुछ इस तरीके से मिलता है। ये काफी अच्छा खासा सिस्टम लगता है मुझे ऑन और ऑफ का, भाई जिसे नीचे ये बंद कर दो। और फिर स्टेपनी की बात करेंगे वो मिलती है आपको कुछ यहाँ पे नीचे से स्टील व्हील रिम में। बाकी टूल किट वगैरह यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है ये पैकेट्स में। पार्शल ट्रे का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सीट्स आपको यहाँ पे 60-40 रेशियो में फोल्डेबल देखने के लिए मिलती है। बूट में कुछ इतना ही, बूट को करते हैं बंद और हो गया। ड्राइवर साइड आते हैं तो भाई यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको स्मार्ट की एंट्री मिली है। भाई को ड्राइवर साइड मिलेगी तो यहाँ तो मिलेगी ही मिलेगी। खोलते हैं तो ये देखिए पूरा डार्किश टोन में यहाँ पे आपको इसका डोर पैनल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको ये कॉफी ब्राउन का इंसर्ट मिल जाता है फैब्रिक में। ये कि सिल्वर फिनिशिंग वाला इंसर्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्रोम में डोर हैंडल यहाँ पे मिल जाता है। स्पीकर्स की प्लेसिंग है,
ट्विटर की प्लेसिंग है, स्पीकर्स की प्लेसिंग है, बॉटल होल्डर स्पेस है, एमएफ पॉकेट है, और यहाँ पे भाई आपको चार के चार पावर विंडो के स्विच, ड्राइवर साइड वाला ऑटो में मिलता है, सेंटर लॉकिंग का बटन यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे आपको ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। इंटीरियर भाई कुछ इस तरीके से मिलता है, इंटीरियर मिलता तो थीम के साथ है, जैसे सीट कवर्स में देखेंगे तो डिजाइन को कॉफी ब्राउन वाला दे रखा है, यहाँ पे वो चेकिस वाला पैटर्न ब्राउन के साथ देखने के लिए मिल जाता है, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो यहाँ पे आपको फैब्रिक में देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क थीम में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अगर ये थोड़ा सा डुअल टोन होता ना तो मेरे ख्याल से और अच्छा लगता, ऐसा मुझे लगता है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो सीट्स की कुशनिंग आपको ठीक ठाक मिल जाती है, 6 एयरबैग आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलते हैं, लोअर वेरिएंट्स में नहीं आता है, सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, फ्यूल टैंक का लीड ओपन आप यहाँ से कर सकते हैं, गाड़ी का हुड ओपन आप यहाँ से कर सकते हैं, बाकी आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, व्यू मोड क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए बटन दबाया तो वहाँ आपका 360 डिग्री कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, अभी तो खैर घूम ही रहा है। और फिर यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, हुड यहाँ से आपकी गाड़ी का हुड ओपन हो जाता है, जब गाड़ी स्टार्ट रहेगी तब वो यहाँ से निकलेगा, अभी गाड़ी बंद है, खाली इंडिकेशन ऑन है तो ये ऑन नहीं होगा। बाकी यहाँ से अंदर की लाइट्स को कम ज्यादा कर सकते हैं, बाकी हेडलैम्प लेवलर है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे आ जाएगा, एसी वेंट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं और दरवाजा करते हैं बंद। अब ये तो ऐसे करके घूम जा रहा है व्यू मोड, जब गाड़ी स्टार्ट रहती है तो पूरा प्रॉपर व्यू दिखाता है, अब इसे अगर मैं रिवर्स में डालता हूँ तो कैमरा आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये देखिए ये चारों ओर गाड़ी का सराउंडिंग होगी, ये रिवर्स का हो गया और ये खाली पूरा रिवर्स का ही आपको दिखाएगा, और ये साइडवेज का आपको दिखाता है, ये देखिए यहाँ से इस साइड का, यहाँ से इस साइड का आपको दिखा देगा, इसको ऐसे ही कर देता हूँ और पार्किंग मोड में, बाकी यहाँ पे से इसको बंद कर देता हूँ, व्यू बंद हो गया। तो भाई अगर सेंटर कंसोल की मैं बात करूंगा तो 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको मिलता है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, और नीचे दो एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको पैटर्न मिल जाता है वही सिल्वर फिनिशिंग वाला, और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे भी पैटर्न मिलता है, मल्टी लेयर में डैशबोर्ड मिल जाता है, लेकिन डार्क थीम की वजह से उतना आप जजमेंट नहीं कर पाते हैं। बाकी यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ऑटो क्लाइमेटिक कंट्रोल एसी आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट भी देखने के लिए मिल जाएगी, देखिए ब्लू रोशनी देखने के लिए मिल रही है, वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, और यह है भाई गियर ट्रांसमिशन, 6 स्पीड टॉक कन्वर्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बी रिवर्स न्यूट्रल डी एम यहाँ पे मिल जाता है, बाकी यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग है, यहाँ पे भी आपको प्लेस मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको टू कप होल्डर का ऑप्शन है, कि आपको कुछ इस तरीके से मिलती है भाई ये सूटकेस वाली, लॉक और अनलॉक की बटन मिलते हैं, खाली आर्मरेस्ट जो आपको मिलता है स्लाइडेबल में मिल जाता है, लेदराइट मिलता है, प्लस इसके अंदर स्टोरेज भी आपको मिलती है थोड़ी सी कुछ इस तरीके से, और इसे करते हैं बंद। यहाँ पे आप बात करेंगे तो ग्लोब बॉक्स भाई ये मिल जाता है, कूल्ड में यहाँ पे आपको ग्लोब बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, ग्लोब लैम्प भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, बाकी यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग आईआरएम मिल जाएगा, सनग्लास होल्डर यहाँ पे मिल जाता है, रीडिंग लैम्प के ऑप्शन आपको हैलोजन में मिलेंगे, टिकट होल्डर है, और ये आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा रीडिंग, ये यहाँ पे लैम्प भी मिल जाता है आपको हैलोजन में, भाई सनरूफ यहाँ पे मिल जाता है, छोटा सा मिलता है लेकिन सनरूफ मिलता जरूर है, एक बंदा जरूर निकल जाएगा इजीली यहाँ से। और फिर बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की, तो भाई फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेदर रैप मिलता है, ये स्टीयरिंग व्हील चला देखने में थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, जो यहाँ पे पैटर्न एक डिजाइन मिलता है ना, ग्लॉसी ब्लैक का नहीं दे रखा है, सिल्वर वाला दे रखा है, ये थोड़ा सा प्रीमियमनेस यहाँ पे बढ़ा देता है। सेंटर में सुजुकी का लोगो है, SRS एयर की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स है, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के बटन मिल जाएंगे, वॉइस कमांड का फंक्शन यहाँ से मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, बाकी पेडल शिफ्टर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स हैं, राइट हैंड साइड में आपको हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलते हैं, जो आपको ऑटो में मिलते हैं। क्लस्टर पूरा कलरफुल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में आपको आरपीएम मीटर मिलता है, राइट हैंड साइड में आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टेम्परेचर है, फ्यूल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, और ये देखिए भाई स्मार्ट हाइब्रिड है ना, तो मोटर वगैरह भी सब यहाँ पे दिखा रखी है भाई, और स्मार्ट हाइब्रिड में क्या है आपकी गाड़ी का माइलेज अच्छा खासा बन जाता है, और इसको चेंज आप यहाँ से करेंगे, ये देखिए ये आ गया, ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, ये ऐसे करके सारी ड्राइविंग टाइम सब चीज यहाँ पे, टाइम वगैरह, मोशन, टॉर्क, एक्सीलेटर, ब्रेक, जब गाड़ी चलाएंगे तब वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाता है, और यहाँ से आप ये गाड़ी का टाइम वगैरह चेंज करना चाहते हैं, ये ट्रिप ए ट्रिप बी यहाँ पे आपको ये शो होता है। और नीचे से बात करेंगे तो डेड पेडल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ब्रेक और एक्सीलेटर मिलेगा भाई, क्योंकि टॉक कन्वर्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है 6 स्पीड में। अब बात करते हैं कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो भाई हेडरूम स्पेस अच्छा खासा है, सीट्स काफी चौड़ी आपको देखने के लिए मिलती है, जिस वजह से आप सीट में काफी अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं, अंडर थाई सपोर्ट आपको अच्छा खासा मिलता है, कुशनिंग यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है, विजिबिलिटी आपकी गाड़ी की क्लियर नजर आता है, और जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी विजिबिलिटी काफी अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि आपकी गाड़ी का हुड आपको बहुत क्लियर यहाँ पे नजर आता है। तो भाई ये तो था कुछ इसके फ्रंट का, आप बात करते हैं इसकी रियर सीट्स की, देख लेते हैं वहाँ क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं।
जब मैं रियर का डोर खोलता हूँ तो सेम वही पैटर्न मिलता है जैसा आपने फ्रंट डोर का देखा था। यहाँ पे आपको फैब्रिक में सॉफ्ट टच मिल जा रहा है, क्रोम में डोर हैंडल है, यहाँ पे वही सिल्वर वाला पैटर्न मिल जाएगा, पावर विंडो का स्विच, बॉटल होल्डर स्पेस है, स्पीकर्स की प्लेसिंग है, टोटल 6 स्पीकर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। इंटीरियर रियर से आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। चलिए बैठ के देखते हैं। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे स्पेस देखेंगे तो आपको लेगरूम स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है, नी रूम स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है, और मैगजीन पॉकेट मिल जाती है। यहाँ पे को ड्राइवर सीट के पीछे भी मैगजीन पॉकेट मिलती है। रियर एसी वेंट्स हैं, टाइप सी के दो पोर्ट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नहीं, एक टाइप सी एक टाइप ए है। और यहाँ पे आपको एक देखिए क्लिप मिल जाती है जिसमें आप अपना कुछ भी सामान हैंग कर सकते हैं, ये काफी अच्छा खासा फीचर मिल जाता है। लेकिन टॉप मॉडल है भाई, यहाँ पे आपको लेदर अपोलिस्ट्री तो देनी चाहिए थी। बाकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है और टू कप होल्डर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। रियर के जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल मिलते हैं। रीडिंग लैंप काफी पीछे दे दिया भाई, ये बूट के लिए दिया या पैसेंजर्स के लिए दिया ये मालूम नहीं चल रहा मुझे। और बाकी यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो ये देखिए एम्बियन लाइट भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है भाई, टॉप एंड वेरिएंट में, जो थोड़ा सा फील अच्छा कर देती है। जब आप नाइट ड्राइविंग में चलते हैं तो ये जब लाइट्स अंदर चलती है ना तो थीम थोड़ी सी अच्छी खासी हो जाती है, एक एम्बियंस आपका अच्छा खासा हो जाता है। बात करते हैं कंफर्ट की, तो भाई हेडरूम स्पेस तो पूछो मत, जबरदस्त है। रिक्लाइनिंग एंगल भी ठीक ठाक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात करूंगा तो वो भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। बाकी राइड क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है जब आप गाड़ी में चलते हैं, क्योंकि जब आप पीछे बैठते हैं ना तो आपको एकदम कंफर्टेबल फील होता है, ऐसा आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा क्योंकि सीट्स आपकी चौड़ी हैं, अच्छे खासे तीन लोग यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन ज्यादा हैवी लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते। अगर ज्यादा हैवी बैठेंगे तो वो दो ही हैं, बाकी बीच में बच्चा है, वरना तीन लोग नॉर्मल अगर मेरी बॉडी के होंगे तो आराम से बैठ सकते हैं भैया तीन लोग, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई ये तो था कुछ इसकी रियर सीट्स का। बात करते हैं इसके इंजन वे की, देख लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ओहो, हैवीनेस तो भाई दिख रही है गाड़ी में। ओ तो भाई यह है कुछ इसका इंजन। इंजन की बात करेंगे तो भाई 1500 सीसी का 4 सिलेंडर K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, टॉक कन्वर्टर में 6 स्पीड के साथ वो भी। और पावर की बात करेंगे 102 की BHP और 136.8 न्यूटन मीटर का टॉक ये गाड़ी निकाल के देती है। भाई अगर माइलेज की बात करूं तो 19.80 KMPL का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, बाकी डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन, आप किस तरीके से गाड़ी यहाँ पे चलाते हैं। अगर बात करूं ब्रेकिंग्स की तो भाई यहाँ पे आपको ABS, EBD ब्रेकर्स जैसे फीचर्स हैं, ट्रैक्शन मैट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP जैसे फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। वैसे भी ये गाड़ी आपको 4 स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग्स में देखने के लिए मिलती है भाई। और अगर पीछे से बात करेंगे तो भाई इंसुलेशन का वर्क है, हुड में भी इंसुलेशन का वर्क मिलता है, नीचे से आपको इंजन प्रोटेक्टर शीट देखने के लिए मिल जाती है। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे इस ब्रीजा गाड़ी के बारे में, हमने जाने इस गाड़ी के फीचर्स, हमने जाने इस गाड़ी के प्राइस रेंज, हमने जाने इस गाड़ी के ऑफर्स। जाने नहीं जाने, अगर जाने हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जाने तो फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको जो ऑफर देखने के लिए मिलता है 25,000 रुपए का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें से आपको 10,000 रुपए तो कैश बेनिफिट है, 15,000 रुपए आपको एक्सचेंज बेनिफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर आप कोई गाड़ी एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये ऑफर आपको जरूर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, वैसे ब्रीजा में आपको कोई ऑफर देखने के लिए नहीं मिलते थे। तो भाई ये गाड़ी आपको कैसी लगती है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में न्यू व्यूवर्स हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।